बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और अभी हम चैप्टर नंबर 4 के ही नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज माइक्रोस्कोपी। तो चले आए हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्कोपी क्या है। बच्चों, माइक्रोस्कोपी का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप्स को कुछ ऐसी चीजों को देखने के लिए जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपी क्या होती है? दिस इज अ टेक्निकल फील्ड ऑफ यूजिंग माइक्रोस्कोप्स टू व्यू ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। अब देखिए, बात तो यहाँ पर हो रही है माइक्रोस्कोप्स की, क्योंकि ऐसी टेक्निक है जिसमें यूज ही इसको किया जा रहा है, माइक्रोस्कोप्स को। तो चलिए आइए देखते हैं कि माइक्रोस्कोप्स क्या होती है। आपको याद ही होगा द मीनिंग ऑफ माइक्रो इज स्मॉल एंड द मीनिंग ऑफ स्कोप इज टू व्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम उन चीजों को देख सकते हैं जिन्हें कि हम आम आंख से नहीं देख सकते। सो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल थिंग्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। मैग्नीफाई का मतलब पता है आपको? बड़ा करके देखना। जिसे हम आम आंख से नहीं देख सकते उसे हम इंस्ट्रूमेंट यानी माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे और हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसके थ्रू देख सकेंगे? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। अब क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। अभी हमें पता चला था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, हम उनको देखने के लिए या हम उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उनको देखने के लिए किसको यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप्स को। अब जनाब हम बात करेंगे कि माइक्रोस्कोप्स कितनी टाइप्स की होती हैं। वैसे तो माइक्रोस्कोप्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अभी हम दो टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। द वन इज लाइट माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलिए देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए विजिबल लाइट या किसको यूज किया जाता है? आर्टिफिशियल लाइट को। सनलाइट या आर्टिफिशियल लाइट को यूज किया जाता है जब कभी भी किसी भी स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो ऐसी माइक्रोस्कोप्स के ही टर्म क्या यूज करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में भी दो टाइप्स हैं, द वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इनमें क्या डिफरेंस है? सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ एक लेंस यूज करते हैं, जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक से ज्यादा लेंस यूज किए जाते हैं। जैसे कि एक लेंस का नाम क्या होता है? ऑक्यूलर लेंस, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं आईपीस। और दूसरे लेंस का नाम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो जब हम एक से ज्यादा लेंस को यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम टर्म क्या यूज करेंगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जब हम सिर्फ एक लेंस को यूज करेंगे तो दैट विल बी द सिंपल माइक्रोस्कोप। और आपको याद तो होगा जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो हमने बात की थी कि सबसे पहले सेल को स्टडी किया था जिस साइंटिस्ट ने, दैट वॉज द रॉबर्ट हुक। तो उस वक्त वो जिस माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे थे दैट वाज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, इसीलिए उसको सेल के अंदर कुछ खास स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आए थे। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती गई तो इसी तरह से माइक्रोस्कोपी की टेक्निक भी क्या होती गई? बेटर होती गई। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो व्हाई वी कॉल इट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? लाइट का तो हमें पता चल गया, लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसमें लाइट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिमेन या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए या उसको इल्यूमिनेट करने के लिए किसको यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा होती है किसके मुकाबले में? लाइट माइक्रोस्कोप। ये हाई रेजोल्यूशन देती है, ज्यादा क्लियर इमेज देती है। और इसके अलावा इसमें जो लेंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। जबकि अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो यहाँ पे जो लेंस यूज किए जाते हैं वो होते हैं ग्लास लेंस। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आगे फर्दर टाइप्स हैं। अभी हम जिन टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, द वन इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड द अदर वन इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनके नाम से फर्क पता चल रहा होगा आपको। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं सिर्फ सेल सरफेस को, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन को जब पास किया जाता है या इलेक्ट्रॉन को जब बम्बार्ड किया जाता है तो ये स्पेसिमेन की सिर्फ सरफेस से टकराते हैं और सिर्फ सेल के सरफेस को शो करते हैं कि सेल का सरफेस क्या है, उसका साइज कितना है।
लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेनिट्रेट कर जाते हैं किसके अंदर, उस स्पेसिमिन के अंदर, और पेनिट्रेट करने के बाद हमें क्या चीज दिखाते हैं, स्पेसिमिन का या ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम कुछ कन्वर्जन को देख लेते हैं। 1 meter कितने मिलीमीटर के इक्वल होते हैं? दिस इज इक्वल टू द 10^-3 meter। ये देखिए आपके सामने ये अपर साइड पे भी वैल्यूज लिखी हैं। 1 meter इज इक्वल टू द 1000 millimeter। इसी तरह से 1 meter कितने micrometer के इक्वल होगा? इट विल बी द 10^-6 meter। नैनोमीटर की बात करें तो 10^-9 meter, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1/1000000th of meter। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो दिस इज अराउंड 10^-10 meter, विच इज इक्वल टू द 10 billionth of meter। देखें यूजली जब हम बात करते हैं मीटर्स की, तो देखिए हमारा जो लेंथ होती है, हमारा जो साइज होता है, दिस इज इक्वल टू द मीटर। मिलीमीटर में हम कुछ इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंट। माइक्रोमीटर के अंदर हम यूजली सेल के साइज की बात करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स। नैनोमीटर के अंदर हम वायरसेस के साइज को डिस्कस करते हैं, और इसी तरह से एंगस्ट्रॉम के अंदर हम एटम्स के साइज की बात करते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो चीजें जो कि इस मिलीमीटर के पॉइंट से लेस होती हैं, जिनका साइज मिलीमीटर से नीचे होता है, इससे कम होता है, ह्यूमन आई उसको स्टडी नहीं कर सकती, ह्यूमन आई उसको अच्छे तरीके से जो है वो रेजोल्यूट नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसके बाद जनाब अब हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बड़ा करना। मैग्निफिकेशन है क्या? दिस इज द एनलार्जिंग द अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को कितने टाइम्स बड़ा करके हम देख रहे हैं। जैसे कि अगर कोई एक मार्कर है, ये भी आपके सामने एक मार्कर नजर आ रहा है, तो जब आप इसको मैग्निफाई करते हैं, आप इसको कैमरे से जूम करते हैं, तो आप इसको कितना बड़ा करके देख सकते हैं, दिस इज नोन एज द मैग्निफिकेशन। हम मैग्निफिकेशन को किस तरह से काउंट करते हैं? मैग्निफिकेशन को हम शो करते हैं एक्स से या टाइम से या गुना जिसे कहा जाता है, और दिस इज इक्वल टू द पावर ऑफ ऑक्यूलर लेंस मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अभी मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता रही थी, कि वहां पे एक से ज्यादा लेंस होते हैं, तो एक लेंस कौन सा है? आईपीस या ऑक्यूलर लेंस, और दूसरा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव लेंस। इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑक्यूलर लेंस है 10x का, यानी जब हम ऑक्यूलर लेंस से देख रहे हैं तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो 10 times बड़ा नजर आ रहा है, और जब आप ऑब्जेक्टिव लेंस यूज कर रहे हैं तो वहां पर 40x का है, यानी कि 40 times बड़ा नजर आ रहा है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं इनकी पावर्स को, तो 10 40s आपके पास क्या आंसर आ जाता है? 400x। इसका मतलब कि इन दोनों लेंस का प्रोडक्ट जो है वो आपको कितना बड़ा इमेज दिखा रहा है, कितनी मैग्निफिकेशन शो कर रहा है, 400 टाइम्स इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है। तो क्लास समझने की बात क्या थी कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, कि हम किसी भी चीज को कितना ज्यादा बड़ा करके देख रहे हैं। बच्चों जब आप कभी जूम कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, मैग्निफाई कर रहे होते हैं, जूम कर रहे हैं, तो आपने देखे कि वो इमेज जो ब्लर होना शुरू हो जाता है, उसकी डिटेल्स हमें नजर नहीं आती, उसमें वो जो है वो इतना ज्यादा क्लियर नहीं होता इमेज। तो अब जो हम टर्म यूज करें, दैट इज नोन एज द रेजोल्यूशन। व्हाट इज द रेजोल्यूशन? दिस इज द क्लैरिटी ऑफ इमेज। आप किसी भी इमेज को मैग्निफाई तो कर लिया आपने, लेकिन आप उसको कितना क्लियरली देख सकते हैं, हम उस क्लैरिटी के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजर पॉइंट्स व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज अ सेपरेट एंटिटीज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी ये दो फिंगर्स आपको नजर आ रही है, तो हो सकता है ये दूर से जो है वो आपको एक ही नजर आ रही हूँ। अगर मैं इसको और करीब करूँ तो ये आपको जो है वो थोड़ी सी और क्लियर नजर आ रही होंगी, और जब मैं ये और करीब करती हूँ तो ये आपको क्या हो रहा होगा कि ये दो अलग एंटिटीज, दो अलग बॉडीज नजर आ रही है, जिन्हें कि आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं? दिस इज द रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन को हम किस तरह से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं? रेजोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज द पीक टू पीक डिस्टेंस। याद रखिएगा
कि अगर वेवलेंथ कम होगी तो रेजोल्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी, जो कि किस केस में थी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के केस में। या आपके सामने ये देखें, पीक टू पीक डिस्टेंस वेवलेंथ, दिस इज जस्ट 0.1 नैनोमीटर, बहुत कम वेवलेंथ है, इसलिए यहाँ पे रेजोल्यूशन पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बात करें वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या है, कम हो जाएगी। रेजोल्यूशन कम कहाँ पर मिलेगी आपको, विजिबल लाइट में, जो अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सी वाली माइक्रोस्कोप थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप है। ये देखें यहाँ पर जो पीक टू पीक डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर। तो आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि किस माइक्रोस्कोप को यूज करने से आपको ज्यादा अच्छी रेजोल्यूशन मिलती है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। रेजोल्यूशन को समझने के लिए अगर हम नोटिस करें, फॉर एग्जाम्पल आपको दूर से जो है वो ये एक ही पॉइंट नजर आ रहा है, अगर आप उसको उसकी रेजोल्यूशन को थोड़ा सा बेटर करें तो आपको ये पॉइंट थोड़े से क्लोज नजर आ रहे हैं, और जब आप इस रेजोल्यूशन को और ज्यादा बेटर करते हैं तो तब आप देखते हैं कि आपको ये दो सेपरेट एंटिटीज नजर आ रही हैं। दिस इज द पुअर रेजोल्यूशन, दिस इज द बेटर रेजोल्यूशन एंड दिस इज द बेस्ट रेजोल्यूशन। यानी वो डिस्टेंस जिसमें आप दो क्लोज पॉइंट्स को एज अ सेपरेट एंटिटी स्टडी कर सकें, हम इसके लिए टर्म के यूज करते हैं, दिस इज नोन एज द रेजोल्यूशन। अब हम कंपेयर करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन क्या है। नाउ वी आर डूइंग द कंपैरिजन ऑफ कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको याद करने से आपके लिए एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा और एंट्री टेस्ट भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। देखिए हम सबसे पहले बात करें सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या थी, विजिबल लाइट, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले हमने मैग्निफिकेशन को डिस्कस किया था, इसका मतलब क्या था, एनलार्जिंग द अपेयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बड़ा करके देखते हैं तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन की टर्म यूज करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारी नेकेड आई के मुकाबले में कितना मैग्नीफाई करती है, 500 टाइम्स, 500 गुना बड़ा करके दिखाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुकाबले में 500 टाइम्स बड़ा करके दिखाती है, लेकिन नेकेड आई के साथ अगर कंपैरिजन करें तो ये कितना बड़ा करके दिखाती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 250,000 टाइम्स, क्योंकि हमने इस 500 को इस 500 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो द आंसर इज 250,000 टाइम्स। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कंपेयर करें तो 500 टाइम्स, और अगर आप नेकेड आई से कंपेयर करें तो आंसर विल बी द 250,000 टाइम्स। रेजोल्यूशन पावर अभी हमने डिस्कस किया था, क्लैरिटी ऑफ इमेज, या हम कह सकते हैं दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू क्लोजर पॉइंट्स व्हिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज सेपरेट एंटिटीज। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 माइक्रोन मीटर के पॉइंट्स को क्या कह सकती है, उनको एज अ सेपरेट एंटिटीज दिखा सकती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर क्या है, 2 to 4 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अभी थोड़ी देर पहले हमने कंपैरिजन किया था माइक्रोन मीटर का, नैनोमीटर का, एंगस्ट्रॉम का, तो आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी पावरफुल माइक्रोस्कोप होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इतने छोटे से डिस्टेंस को भी एज अ सेपरेट एंटिटी दिखा सकती है। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो पीटीवी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो 1 मिलीमीटर है, जबकि डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर इसकी रेजोल्यूशन पावर लिखी हुई है 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। तो अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर बुक जो है वो आप उसको लर्न कर लीजिएगा। लेंसेज कौन से यूज होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ग्लास लेंस यूज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस का। अगर हम इमेज को व्यू करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम स्टडी करते हैं इमेज को बाय ऑक्युलर या आईपीस, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इमेज को कहां पर देखते हैं स्क्रीन पर। बच्चों ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आपके सामने, ये है इसका आईपीस या ऑक्युलर, और ये वाली जो जगह आपको नजर आ रही है दीज आर द ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए होते हैं। आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि आई पीस पे या ऑक्युलर पर आपने नजर आ रहा होगा, ये देखें 10x लिखा हुआ है। ये हमारे पास डिफरेंट मैग्निफिकेशन के लेंसेज मौजूद होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5x, 10x, 15x। बिल्कुल इसी तरह से जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं यहाँ पे भी डिफरेंट मैग्निफिकेशन होती हैं, फॉर एग्जाम्पल 10x, 40x, 45x, 100x, ये डिफरेंट टाइप के मैग्निफिकेशन होती हैं।
आपने जब मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है तो आपने क्या करना है, इस ऑक्यूलर की पावर को मल्टीप्लाई करना है ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर के साथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर 10x यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर अगर आप 40x यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. आप जो भी स्पेसिमेंट, जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, इसका मतलब कि वो आपको कितने टाइम्स बड़ा नजर आ रहा है, 400 टाइम्स बड़ा नजर आ रहा है. होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. आज हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप की टाइप्स. हमने उस पर बात की थी लाइट माइक्रोस्कोप की, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. हमने उस पर टर्म्स डिस्कस की मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन. लास्ट में हमने इन दोनों टाइप के माइक्रोस्कोप से कंपेरिजन कम्प्लीट कर लिया. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम फील हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.